गोंडा सुप्रीम कोर्ट में वकील राजीव धवन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। तो राम मंदिर का नक्शा फाड़ने पर यह परिवाद दायर किया गया है। जेएम द्वितीय काव्य सिंह की अदालत में ये केस दर्ज कराया गया है। तो राजीव धवन ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान नक्शा फाड़ा था और संजीव प्रताप सिंह ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद 26 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई होगी। तो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं राजीव धवन, जिनके खिलाफ परिवाद यहां पर दर्ज कराया गया है गोंडा के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं राजीव धवन, उनके खिलाफ गोंडा में यह शिकायत दर्ज कराई गई है, केस दर्ज कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई जब चल रही थी, उसी दौरान यहां पर एक किताब का हवाला देकर नक्शा सामने रखा गया था और इसी नक्शे को लेकर यहां पर राजीव धवन बौखला गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस नक्शे को फाड़ दिया। दरअसल इस नक्शे में अयोध्या का पूरा मानचित्र था, वो नक्शा था कि कहां पर राम मंदिर था, कहां पर राम जन्मभूमि थी, और इसी बात से बौखलाए राजीव धवन ने उस नक्शे को फाड़ दिया, जिसके बाद कई मामले इसमें सामने आए कि राजीव धवन के खिलाफ कोई एक्शन यहां पर लिया जाएगा। यहां पर बार एसोसिएशन के खिलाफ भी के जरिए भी यहां पर राजीव धवन के खिलाफ एक्शन लिया गया। और अब आपको बता दें कि गोंडा में सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव धवन के खिलाफ परिवाद दर्ज करा दिया गया है।